So hello guys, this is Sumi. Welcome back to our channel Deep Sumi Blogs, where you can find anything and everything related to tours and travels. तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने हमारे चैनल के कमेटी पोस्ट में एक पोल्स कराया था और रिजल्ट से साफ है कि आप में से बहुत से लोग अपकमिंग मंथ्स में मनाली विजिट करने वाले हो। तो बस आपके ट्रिप प्लानिंग को और भी आसान बनाने के लिए हम आपकी डिमांड्स पे लेके आए हैं द टॉप 10 बजट्स होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इन मनाली अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 1,000 to 5,000 रुपीज़, ताकि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्टे चूज कर सको। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप मनाली में एक बेस्ट होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप ग्रीन फील्ड्स होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको अंडर 1,000 रुपीज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 894 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये होटल मनाली के लोग हट्स रोड में लोकेटेड है, जहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल का डिस्टेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। अब बात करें यहाँ की कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम वेल मेंटेन एंड फुल नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको साइनामा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही रूम के बाहर आपको एक सिटिंग एरिया एंड टेरेस में ओपन डाइनिंग एरिया भी मिल जाता है, जहाँ से आप खूबसूरत सा माउंटेन व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेड कपल्स हो तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हो। अब अगर आप मनाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से विजिट करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा फॉरेस्ट व्यू रिट्रीट होम स्टे, क्योंकि ये होम स्टे मनाली बस स्टैंड से सिर्फ 2.9 किलोमीटर दूर हिडिम्बा देवी टेंपल रोड में लोकेटेड है। अब अगर प्राइस की बात करें तो ये होम स्टे आपको अंडर 1,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 849 रुपीज देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इस होम स्टे की, तो यहाँ आपको रूम काफी अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको साइनामा फैसिलिटी के साथ साथ एक बैल्कनी भी मिल जाता है, जहाँ से आप फॉरेस्ट का व्यू भी ले सकते हो। रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया एंड बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी मिल जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और इस होम स्टे में अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ पेट्स एंड आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। अब अगर आप मनाली में 1,000 to 2,000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक ऐसे होटल में स्टे करना चाहते हो जहां आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी मिले, तो आप डेफिनेटली स्नो पीक रिट्रीट होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो। नाउ रिसेंटली यहां आपको रूम का प्राइस 1,766 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये होटल मनाली के नैसोगी रोड में लोकेटेड है, जहाँ से हिडिम्बा देवी टेम्पल एंड ओल्ड मनाली स्नो पॉइंट काफी नजदीकी स्थित है। अब अगर यहाँ की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही इस होटल के आउटर एरिया भी आपको बहुत ही बड़ा एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिलेगा, जहां आपको माउंटेन्स का पैनोरमिक व्यू के साथ सिटिंग एरिया एंड बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस होटल में अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहां आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप ओल्ड मनाली में एक बेस्ट लोकेशन में अपना स्टे करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली द ऑर्चिड ग्रीन्स होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 1,000 to 2,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। और अगर आप इस टाइम यहाँ विजिट करते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 1,948 रुपीज देखने को मिल जाएगा। अब अगर इस होटल की कंडीशन और फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको ब्यूटीफुल सा गार्डन एरिया भी मिल जाता है, जहाँ आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, किड्स के लिए एरिया एंड बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेड कपल्स हो तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हो। अब अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप 2,000 to 3,000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक बेस्ट होटल में स्टे करना चाहते हो विद ऑल लग्जरी फैसिलिटीज़, तो आप डेफिनेटली हॉलीडे हाइट्स एंड स्पा होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो। नाउ दिस टाइम यहाँ आपको रूम का प्राइस 2,108 रुपीज देखने को मिल जाएगा। अब अगर लोकेशन की बात करें तो ये होटल मनाली के कन्यान रोड में लोकेटेड है, जहाँ से हिमालयन नाइन मापा मॉनेस्ट्री 4.6 किलोमीटर एंड मॉल मार्केट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब अगर इस होटल की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ ब्यूटीफुल सा माउंटेन व्यू बैल्कनी भी मिल जाता है। साथ यहाँ के आउटडोर एरिया में आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, इंडोर गेम्स, जिम, स्पा एंड बॉनफायर जैसे सारी लग्जरी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है और यहाँ अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है।
अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 2,000 to 3,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में होटल या होम स्टे नहीं बल्कि 5-स्टार रिजॉर्ट बुक कर सकते हो तो क्या आप यकीन करोगे? सो यस गाइस, फॉक्स ओसो कॉरल रिजॉर्ट में आप सिर्फ 2,650 रुपीज़ में अपना रूम बुक कर सकते हो। अब अगर लोकेशन की बात करें तो ये रिजॉर्ट मनाली के मेन सिटी से थोड़ी दूर कुल्लू नागर मनाली रोड में लोकेटेड है। रही बात यहाँ की कंडीशन की, तो इस रिजॉर्ट में आपको रूम काफी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के आउटडोर एरिया भी आपको काफी अट्रैक्टिव तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, बार, जिम, स्पा एंड बॉनफायर जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट पार्किंग भी अवेलेबल है और यहाँ अनमेड कपल्स एंड पेट्स भी अलाउड है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। अब अगर आप मनाली में एक ऐसे लोकेशन में स्टे करना चाहते हो जहां से आप मनाली के मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस को कवर कर सको, तो आप डेफिनेटली रेनेस्ट रिवर कंट्री रिजॉर्ट में अपना स्टे कर सकते हो, क्योंकि इस रिजॉर्ट से आपको मनाली के सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस लाइक वैन विहार नेशनल पार्क, हिडिबा देवी टेम्पल एंड हिमालयन नाइन मापा मॉनेस्ट्री काफी नजदीकी स्थित है। अब रही बात प्राइस रेंज की, तो ये रिजॉर्ट आपको 3,000 to 4,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा, और अगर आप रिसेंटली ही यहाँ विजिट करते हो तो आपके यहाँ रूम का प्राइस 3,724 रुपीज देखने को मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ की कंडीशन की, तो ये एक लग्जरी रिजॉर्ट होने की वजह से यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको ब्यूटीफुल सा गार्डन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सिटिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया, जिम, बार, स्पा ट्रीटमेंट एंड बॉनफायर जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और यहाँ अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। हमारे लिस्ट के नंबर 3 में आता है द हाईलैंड पार्क रिजॉर्ट, जो कि एक 4-स्टार प्रॉपर्टी भी है। अब बात करें यहाँ की प्राइस की, तो ये आपको 3,000 to 4,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा, और अगर आप इस टाइम यहाँ विजिट करते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 4,257 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये रिजॉर्ट मनाली के बुरुआ रोड में लोकेटेड है, जहाँ से सोलांग वैली सिर्फ 4.8 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब अगर इस होटल की बात करें तो यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक बैल्कोनी भी मिल जाता है, जहाँ से आप विज रिवर का खूबसूरत सा व्यू ले सकते हो। अब अगर आउटडोर्स की बात करें तो यहाँ आपको आउटडोर्स एरिया भी बहुत ही बड़ा एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, जिम, बार, स्पा ट्रीटमेंट एंड बॉनफायर जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप थोड़ा लेस क्राउडेड एरिया में स्टे करना पसंद करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्नोफ्लैक्स रिजॉर्ट, जो कि आपको 4,000 to 5,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 5,017 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये रिजॉर्ट मनाली के मेन सिटी से थोड़ी दूर नागर रोड में लोकेटेड है। अब अगर यहाँ की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफी स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक बेल्कोनी भी मिल जाता है, जहाँ से आप ब्यूटीफुल सा स्नो पीक का व्यू भी ले सकते हो। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही बड़ा एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सिटिंग एरिया, ओपन डाइनिंग एरिया, इंडोर गेम हाउस, बार, जिम, स्पा ट्रीटमेंट एंड बॉनफायर से सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है, और अगर आप अनमेड कपल हो तो आप भी यहां स्टे कर सकते हो। हमारे लिस्ट के लास्ट नंबर 1 में आता है मनाली का बहुत ही पॉपुलर एंड लग्जरियस रिजॉर्ट द एलियोर ग्रैंड रिजॉर्ट, जो कि आपको 4,000 to 5,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 4,368 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट लेह टू मनाली हाईवे के नजदीकी लोकेटेड है और ये एक रिवर साइड रिजॉर्ट भी है, एंड यहाँ से मनाली स्नो पॉइंट, हनुमान टेम्पल एंड नेहरू कुंड काफी नजदीकी स्थित है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो ये एक लग्जरी रिजॉर्ट होने के कारण यहाँ आपको रूम काफी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ ब्यूटीफुल सा माउंटेन व्यू बेल्कोनी भी मिल जाता है। अब अगर सराउंडिंग एरिया और एम्बियंस की बात करें तो यहाँ आपको गार्डन वेल मेंटेन एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको खूबसूरत सा सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, जकूजी, किड्स के लिए प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, रिवर साइड डाइनिंग एरिया, स्पा ट्रीटमेंट एंड बॉनफायर जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है।
सो आई होप आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। और अगर आप भी चाहते हो कि हम आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए होटल्स एंड टूर गाइड वीडियो लेके आएँ तो हमारे चैनल के पोल्स में जरूर पार्टिसिपेट करना एंड कमेंट्स करने मत भूलना। सो मिलते हैं टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।